हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ शेज़वान कॉर्न रेसिपी। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। अब हम इसके सीड्स निकाल देंगे। अब यहाँ कढ़ाई में हम 1 टीस्पून जो है वो ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सीड्स, भुट्टे के सीड्स ऐड कर देंगे और इसको भी गर्म कर देंगे हल्का हल्का सा, उससे ये बाहर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। अब साथ में ही हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं ऐड कर दूंगी 2 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें साथ में ही ऐड कर देंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और 1 चम्मच बटर। सभी चीज़ों को अब एक मिक्स अच्छा सा दे देंगे। अब हम कवर कर लेंगे 10 से 12 मिनट जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए, अब खोल के देखा तो इसमें थोड़ा पानी बचा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच शेज़वान सॉस और 1/2 चम्मच और बटर। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और कवर कर देंगे इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए रखेंगे ताकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए, अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारी डिलीशियस शेज़वान कॉर्न रेसिपी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे, धनिया के पत्तियों के साथ गार्निश कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।